ओम आदित्वाय विद्महे प्रभाकवकराय धीमहि तन्नः सूर्यो प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सूर्य से संबंधित जानकारी दूंगा। छह राशियों का भाग्य बताऊंगा। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश छह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कौन सी है वह छह राशियां, वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ उपाय भी बताए हैं धन और पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य देव का, वह जरूर देखें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के राजा माने जाते हैं, यानी हमारे नवग्रह हैं। नवग्रह में सूर्य को अधिपति माना जाता है, राजा की श्रेणी दी जाती है। और सनातन धर्म के हिसाब से भी भगवान सूर्य को हम भगवान की उपाधि देते हैं। और सुबह के समय हम सूर्य देव की वंदना करते हैं, उनको जल अर्पण करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम से सूर्याय नमः। ओम ग्रहण सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। यानी अनेकों मंत्रों से हम सूर्य देव की आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सूर्य देव हमारे शरीर को स्वस्थ रखें। जिनके ऊपर भी सूर्य देव की शुभ दृष्टि होती है, पिता का सुख मिलता है, व्यापार अच्छा चलता है, सरकारी नौकरी में सहयोग प्राप्त होता है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होता है, शरीर के अंदर हड्डी, सिर, नेत्र, कान की हड्डी, कान, इन सब का मालिक सूर्य होता है। अगर सूर्य शुभ हो तो आदमी का शरीर स्वस्थ रहता है और इन कार्यों में लाभ मिलता है। अगर सूर्य अशुभ है तो पिता का सुख नहीं मिलेगा, नौकरी में परेशानी आएगी, व्यापार में दिक्कतें आएंगी, सिर नेत्र संबंधित प्रॉब्लम होगी। तो इन्हीं सभी दायित्वों, इन्हीं सभी कारकों का सूर्य का दायित्व होता है और सूर्य दृष्टि डालते हैं। जातक की राशि से 3, 6, 10 और 11 अगर इन स्थानों में सूर्य विराजमान है तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इन स्थानों में सूर्य शुभ कारक माना जाता है। बात करते हैं पहली राशि की, यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि से अगर आप काउंट करेंगे तो तृतीय भाव में यानी कर्क राशि में सूर्य का गोचर होगा और यह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि शत्रु राशि है लेकिन दृष्टि के हिसाब से बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। तृतीय भाव, भाई बहन का भाव, मित्रों का भाव, नौकरी का भाव, आने वाले समय के लिए बहुत ही प्रेरणादायक भाव। सूर्य वृषभ राशि के भाई बहन के योग बनाएगा, यानी जो बहन है उनको भाई की प्राप्ति होगी और भाई बहन का रिश्ता मजबूत होगा, मित्रों से लाभ पहुंचेगा, आपका और मित्रों का जो रिश्ता है वो मजबूत होगा। अचानक कई कार्य आपके संपन्न होंगे जो रुके हुए थे, धन का लाभ मिलेगा, संतान का लाभ मिलेगा। यानी एक तरह से वृषभ राशि वालों को बहुत ही शुभ कारक ये रहने वाला है। दूसरी राशि की बात करते हैं, जिन पर जिनकी छठी स्थान में सूर्य विराजमान है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो छठा भाव होता है वह गुप्त शत्रु, गुप्त उलझने और गुप्त रोग का होता है। गुप्त रोग का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में रोग बन के तैयार हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, अचानक बन के तैयार हो जाता है तब पता चलता है। गुप्त शत्रु का मतलब ये होता है कि आपके मुंह पे मीठा बोले, आपके लिए इससे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। आपके मुख पर ऐसा बनेगा कि संसार में इससे बड़ा हितैषी कोई नहीं है और वही आपका बुरा चाहेगा। आपके मुंह पे इतना मीठा बनेगा, उसे कहते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त उलझने वो होती हैं कि आपको पता भी नहीं है, आप निष्फिक्र बैठे हुए हैं और उलझने आपके सामने प्रकट हो गई, लेकिन सूर्य बहुत लाभ पहुंचाने वाला है।
कुंभ राशि वालों को छठे भाव में बड़ा लाभ मिलेगा, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। यानी अगर आपसे किसी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है, तो उसमें अब आपको विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के केसों से आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। आपके शत्रु पक्ष आपसे झुकेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके अंदर साहस आएगा, आपके अंदर जो है एक प्रकार से बहुत तेज की अनुभवी होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, गुप्त शत्रु आपसे हार मानेंगे, आपका इतना काम बढ़ेगा कि जो आपसे ईर्ष्या करने वाले हैं वो और ईर्ष्या करेंगे, बहुत बड़ा लाभ। तीसरी राशि की बात करते हैं, जिनसे छठे भाव में सूर्य विराजमान है वह तुला राशि। तुला राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए यह बहुत ही शुभ योग है। यानी जो हमारा दशम भाव होता है वो एक प्रकार से कर्म क्षेत्री कह सकते हैं, यानी हमारे व्यापार का भाव, उससे हमारी स्थिति का पता चलता है। मेन भाव है, वो केंद्र है जो हमारी स्थिति को पता कराता है कि हमारी व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी, पिता के लिए हम कैसे रहेंगे, हमारा भाग्य कैसा रहेगा, हम कर्म कैसे रहेंगे, ये सब का भाग्य जो है दशम भाव है। तो तुला राशि वालों के लिए अब शुभ संकेत हैं, बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, व्यापारिक स्थिति रहेगी, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे और सरकारी क्षेत्रों से लाभ आपको प्राप्त होगा, पिता का आपको सहयोग मिलेगा, आपके द्वारा भी पिता को लाभ मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी, बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, बड़े बड़े कार्य सिद्ध होंगे। यानी एक प्रकार से तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं चौथी राशि की, जिससे ग्यारहवें भाव में सूर्य विराजमान है वह है कन्या राशि। ग्यारहवां भाव आमदनी क्षेत्र, सबसे शुभ और उत्तम भाव, आपके बाहर जाने के योग बनेंगे, वृषभ राशि के भी भ्रमण के योग बनेंगे और धन का बड़ा लाभ होगा। ये जो एकादश भाव होता है ये हमारे आमदनी क्षेत्र का होता है। अब आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपको लाभ मिलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। और दोस्तों एकादश भाव बहुत ही अच्छा भाव होता है, एकादश भाव से हम काफी स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो एकादश भाव से बड़ा लाभ पहुंचाती हैं। अगर सूर्य एकादश भाव में होता है तो आदमी के जो है बड़े कार्य संपन्न होते हैं, यानी लाभ, धन का लाभ। अगर लॉटरी सट्टा लगाते हैं तो उसमें आपको थोड़ी टेंशन होगी लेकिन लाभ मिलेगा, और आपके कई योजना ऐसी हैं जो अटकी हुई हैं वो पूरी होंगी। अब आप सोच रहे थे कि पैसा कहाँ लगाएं, पैसे के बारे में आप सोच रहे थे कि पैसा कौन सी जगह पर लगाएं, उसके लिए अब आपके रास्ते खुलेंगे, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको और आपके जो आमदनी क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी होगी। किसी के द्वारा, किसी एक बंदे के द्वारा आपको बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है, तो किसी एक के द्वारा आपको हानि भी पहुंचेगी, अनजान व्यक्ति आपकी सहायता करेगा। आपके जो व्यापारिक स्थिति खराब हुई पड़ी थी अब तक, वह व्यापारिक स्थिति सही होगी। यानी एक प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। अगली राशि की बात करते हैं कर्क राशि, जिसमें स्वयं सूर्य का गोचर है। कर्क राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रत्येक क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी, तो थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य के लिए टेंशन भी रहेगी। मान मर्यादा के साथ साथ में आपको थोड़ा सा शरीर में भी कष्ट रहेगा, नेत्र संबंधित आप सावधानी बरतें, शरीर में परेशानी आ सकती है, और आपके मान सम्मान बढ़ेगा और आपका व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी, गृहस्थ जीवन आपका अच्छा चलेगा, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। और छठी जो राशि है वह है सिंह राशि।
सिंह राशि वालों को बड़ा ध्यान रखना है। सिंह राशि के व्यय भाव में ये चलेंगे, गोचर करेंगे, जो आपको बड़ी हानि भी पहुंचा सकते हैं और बड़े लाभ भी मिलेंगे। यानी सम भाव रहेगा, सम आपका प्रभाव रहेगा। तो ये थी छह राशियां। सूर्य देव की सुबह आराधना करें, सूर्य देव आपको प्रत्येक प्रकार का लाभ।